नमस्कार, सच देखो डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, मगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। कोहली इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जिसकी बदौलत वो बल्लेबाजों की ताजा वनडे रैंकिंग में एक पायदान के सुधार के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए, जबकि सुमन गिल टॉप पर बरकरार हैं। कोहली 791 रेटिंग ने विश्व कप के दौरान बल्लेबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 765 रन बनाए, जिससे वह रैंकिंग में शीर्ष टीम में पहुंचने में सफल रहे और वह गिल से महज 38 रेटिंग अंक पीछे हैं। गिल 826 रेटिंग अंक के साथ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 824 रेटिंग अंक से मामूली बढ़त से शीर्ष रैंकिंग में चल रहे हैं। कोहली के अलावा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी एक पायदान का सुधार करते हुए चौथा स्थान हासिल किया है, उनके 769 रेटिंग अंक हैं। रोहित ने 597 रन बनाए, गिल ने वर्ल्ड कप में 354 रन बनाकर पहले स्थान बरकरार रखा, जबकि बाबर ने 320 रन बनाए। कोहली 2017 और 2021 के बीच करीब 4 साल लगातार कुल 1258 दिन तक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर काबिज रहे थे और हाल के वर्षों में बाबर ने पहले नंबर पर कब्जा किया था, जबकि विश्व कप के दौरान ही गिल शिखर पर पहुंचे थे। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे बड़ी खबर है, कोहली और रोहित को मिला है शानदार प्रदर्शन का इनाम। रोहित और कोहली ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी बदौलत विराट कोहली ने वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा 765 रन बनाए थे। शानदार प्रदर्शन के दम पर वो रैंकिंग में टॉप 3 में पहुंचने में सफल रहे। जी हाँ, डिजिटल ब्रेकिंग में ये बड़ी खबर। धन्यवाद।